आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन के कारण और इसके पूरे पूरे उपचार के बारे में। फंगल इन्फेक्शन हमेशा से ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम रहा है और हम देखते हैं कि 90% से भी ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उन्होंने सभी प्रकार के इट्राकोनाजोल, सभी प्रकार के लूलिकोनाजोल इस्तेमाल किए हैं और 90% प्लस पेशेंट्स को रिकरेंसी रिलैप्स फेलियर होता ही है। ऐसे पेशेंट जिन्हें सालों साल तक रिलैप्स हुआ है, कई बार एक एक मिनट पेशेंट को रिलीफ नहीं है, पूरा इचिंग, ब्लीडिंग और रिंग लाइक पैचेस चेहरे पर, बालों पर, स्कैल्प में, ओवरऑल बॉडी कवर्ड विथ फंगल इन्फेक्शन, जहां पेशेंट ने हर एक सिटी का इट्राकोनाजोल लिया है, हर एक अलग अलग जगह से ट्रीटमेंट ली है एंड वर्ल्ड वाइड वी सी इट्राकोनाजोल, लूलिकोनाजोल एंड दीज एंटी फंगल्स आर कॉमन इट्स सेम एंड पेशेंट्स एक्सपीरियंस रिलैप्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आयुर्वेद द्वारे 50 से भी ज़्यादा देशों में 100% सक्सेस रेट क्यों है, उसका क्या रीज़न है और आयुर्वेद द्वारे जड़ से पेशेंट किस तरीके से ठीक होते हैं, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। फंगल इन्फेक्शन अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, डे टू डे वर्क इज बीइंग हैम्पर्ड बाय सीइंग सो मेनी पेशेंट्स। आज 50 से भी ज़्यादा देशों में जब पेशेंट्स हम देखते हैं, ओवर 25,000 प्लस फंगल इन्फेक्शन डेटा जब हम देखते हैं इन पेशेंट्स को, हम ये रियलाइज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स इन एंटी फंगल से ठीक हुए हैं वो कहीं ना कहीं पहले 2-3 महीने में ठीक हुए, मैक्सिमम 6 मंथ्स में ठीक हुए, पर उसके बाद जो रिकरेंसी हो रहा है, यानी 2-3 बार अगर रिकरेंसी हुआ है, इसका मतलब आप कोई भी अलग अलग एंटीफंगल्स ले लो, रिकरेंसी होनी है। कहीं ना कहीं बॉडी डेवलप्स अ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दोज एंटीफंगल्स। ओके, पहले इट्राकोनाजोल लिया था, दैट्स वन एंटीफंगल। ओके, उसके बाद एक अलग एंटीफंगल लिया था पेशेंट्स, देन यूज अ फ्लूकोनाजोल, फिर एक लूलिकोनाजोल क्रीम, फिर अ लूलिफीन विथ लूलिकोनाजोल विथ अमीकोनाजोल, अलग अलग ट्रायल्स एंड कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके रिलीफ तो मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं इन सभी पेशेंट्स का स्टडी, इनके सिम्टम्स, इनकी बायोप्सी, अलग अलग स्टडीज इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद आज आयुर्वेद द्वारे जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, हमें पता चलता है कि इन सभी दवाइयों से उन दवा के एंड में ZOLE, ये कॉमन आप पाओगे, सो ये सभी तरह के दवा कहीं ना कहीं पेशेंट्स भी रियलाइज करते हैं कि इन्फेक्शन सिर्फ सप्रेस हो रहा है, जैसे ही दवा बंद अगेन इन्फेक्शन इज गॉन। कहीं पेशेंट्स को लगता है कि मेरा इन्फेक्शन जा रहा है, बट दैट इज नॉट द केस। जा रहा है तो वो जाना चाहिए था, बट दिस वी सी दैट इट इज जस्ट बीइंग सप्रेस्ड एंड वेदर इट इज अ स्किन इन्फेक्शन और एन इमोशन और एनीथिंग, यू सप्रेस इट, इट इज गोइंग टू कम बैक, इट इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट इफ यू प्रेस अ स्प्रिंग, हम देखते हैं कि प्रेशर निकालने के बाद बहुत ज्यादा वो जम करती है। उसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन जितना हम सप्रेस करते हैं उतना ज्यादा वो बढ़ता है, इन टर्म्स ऑफ ईदर द इचिंग, इन टर्म्स ऑफ द डिस्कलरेशन, इन टर्म्स ऑफ द हार्डनेस, ड्राइनेस एंड द ओवरऑल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। हम देखते हैं जितना फंगल इन्फेक्शन सप्रेस उतना ही ज्यादा वो बढ़ता है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले कहा है ददरू और ददरू त्वचा विकार के सिद्धांत बताए हैं और उस सिद्धांत के अनुसार जब हम आयुर्वेद द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, हम देखते हैं पेशेंट में 100% सक्सेस रेट और पेशेंट एक बार जो ठीक होता है, हम डेफिनेटली देखते हैं कि रिकरेंसी होती ही नहीं है। इन ओवर 50 प्लस कंट्रीज हम देखते हैं कि पेशेंट्स आयुर्वेद द्वारा ठीक होते हैं और आयुर्वेद अनुसार एक बार ठीक हुआ इन्फेक्शन का रिकरेंसी नहीं होता, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन, ददरू, त्वचा विकार, कुष्ठ रोग, ये बहुत आसानी से आयुर्वेद में ठीक होता है। कितना भी वो स्प्रेड हो, कितना भी वो सीवियर हो, आयुर्वेद द्वारा हम देखते हैं पेशेंट्स बहुत अच्छे से ठीक होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि पेशेंट को कई बार कहा जाता है कि हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, आपको पसीना आएगा, हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो, इसीलिए वो वापस आ रहा है, बट हम हर केस पे देखते हैं कि जितना हाइजीन इंपॉर्टेंट है उससे बड़ा रीजन है द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दीज एंटीफंगल्स। आप दवा ले रहे हो बट पेशेंट को लग रहा है नहीं मेरा ही गलती है, बिकॉज मुझे पसीना आ रहा है, मुझे डायबिटीज है, मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, शायद मुझ में ही गलती है, मैं क्रीम से तो मुझे फायदा हो रहा है, ट्रीटमेंट से तो फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट सप्रेसिंग द इन्फेक्शन और 90% प्लस पेशेंट्स के साथ हम जब बात करते हैं उनका भी यही कहना है कि वो ठीक हो रहा नहीं है, इट इज जस्ट बीइंग सप्रेस्ड। हम कई बार देखते हैं कि अगर प्राइवेट एरिया पर सप्रेस किया हुआ फंगल इन्फेक्शन, देन कम्स एन अनदर एरिया। ऑफकोर्स स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, यू प्रेस इट फ्रॉम योर एनी वे, इट कैन कम फ्रॉम एनी अदर पार्ट,
डेफिनेटली हम कई बार स्प्रेड देखते हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन पर हाथ लगाए कहीं और हाथ लगाए तो इट कैन स्प्रेड एज वेल। इस चैनल पर आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन के वीडियोस, होम रेमेडीज, ट्रीटमेंट्स, द्रव्य की जानकारी, उस द्रव्य को कैसे इस्तेमाल करना है, परहेज क्या रखना है, डाइट किस तरीके से रहना चाहिए, सभी चीजों का विस्तार में एक्सप्लेनेशन दिया है। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखिएगा। फंगल इन्फेक्शन आयुर्वेद में अनगिनत द्रव्य, अनगिनत पंचकर्मा, रक्तमोक्षण से लेके वमन विरेचन से लेके बस्ती से लेके ऐसे आयुर्वेद पंचकर्मा जहाँ पर हम पेशेंट को देखते हैं कि ठीक होते ही है, उनका स्टेप बाय स्टेप पद्धति से पेशेंट्स बेटर होते हैं विथ एंड कि वो इन्फेक्शन ठीक हो रहा है विथ नो रिलैप्स, नो रिअकरेंस। ददरू में बताए हुए सिद्धांत महत्व के हैं, इसमें कहीं भी हाइजीन, कई भी इम्यून सिस्टम, कई भी डायबिटीज, ये इतना ज्यादा मायने नहीं देता, बिकॉज द मेन थिंग इज एनीथिंग दैट यू सप्रेस इन द स्किन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक। कई अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के बारे में हमने डिस्कस किया है, वन बीइंग द मोस्ट कॉमन एंड वेरी इफेक्टिव फॉर फंगल इन्फेक्शन, इट इज खदीर। यहाँ पर खदीर अरिष्ट, महामंजिष्ट आदि ये द्रव्यों का इस्तेमाल न करे, खदीर विच इज खदीर काष्ट, डायरेक्टली द मेन एक्सट्रैक्ट ऑफ खदीर, उस खदीर काष्ट को हमें पानी में, एक लीटर पानी में भिगोना है रात को सोने से पहले, क्लोज द लिड, स्ट्रेन इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, कंज्यूम इट सिप बाय सिप थ्रू आउट द डे। हम देखते हैं कि तिक्त रसात्मक द्रव्य, जो कड़वे होते हैं, जो कसेले होते हैं, तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, इन द्रव्यों के, जितने तिक्त कषाय चीजें आप लेते हो उतना ही फंगल इन्फेक्शन कम हो रहा है और जड़ से इसका इलाज हो रहा है। There are endless treatment methods. We'll discuss in the further coming videos. अगर आपके कोई भी doubts, questions हैं, हमें comment section में जरूर पूछिए। Until next time, from Jovi's and the team, look impressive, be progressive.